हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मनीष। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ दिन तक वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आप लोगों को पता था कि हमारे देश में चल क्या रहा था। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी और बिल्कुल भी मन नहीं करता था वीडियोस बनाने का। और मेरे कॉलेज के भी कुछ एंड टर्म के कुछ बचे हुए थे प्रैक्टिकल्स, तो मैं उसकी भी तैयारी कर रहा था। तो अब नाउ आई एम ऑल सेट, मेरे कॉलेज के प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में। बहुत टाइम हो गया था यार, मैं कब से ट्राई कर रहा था कि मेरा वैक्सीनेशन का स्लॉट आए। जब भी मैं कोविन की वेबसाइट खोलता था, हमेशा बुक दिखाता था या तो अनअवेलेबल दिखाता था। और अब तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 मई को, उस दिन तो यार हद ही हो गई है, कोई भी वैक्सीनेशन एक्टिव ही नहीं है। मतलब वैक्सीनेशन स्लॉट तो आप छोड़ो, सेंटर ही बंद हो चुके हैं दिल्ली में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। तो आई मस्ट से कि इस टाइम पे TCS एक सर्वाइवर की तरह आया है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया है TCS का कि इट इज़ वैक्सीनेटिंग ऑल इट्स एम्प्लॉयज़। तो उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ड्राइव शुरू की थी, तो मैंने उसमें रजिस्टर किया। और कल मेरे पास खुद ही उनका फ़ोन आया है कि हम आपकी वैक्सीनेशन स्लॉट क्या कंफर्म कर सकते हैं। तो यार एक तरफ आप देखो, एक तरफ गवर्नमेंट की लिए हम लोग कुछ नहीं है, हम लोगों को लाइन में खड़ा होना सिखाया जाता है। चाहे आपको रेलवे की टिकट बुक करानी हो, चाहे आपको हॉस्पिटल जाना हो, या कि चाहे आपको अपना ना वैक्सीनेशन स्लॉट लगाना हो, हम लोगों को हमेशा सिखाया जाता है कि आपको लाइन में खड़े होना है। और एक तरफ एक प्राइवेट एम्प्लॉयर है TCS, और बाकी बहुत सारी कंपनीज जैसे EY, मैंने सुना है वो भी वैक्सीनेशन ड्राइव करा रही है। उस तरह की कंपनीज हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेशन ड्राइव करा रही हैं। तो आई मस्ट थैंक TCS कि वो वैक्सीनेशन ड्राइव करा रहे हैं। एंड टुडे आई विल बी शोइंग यू कि उनकी वैक्सीनेशन ड्राइव में क्या होता है, आप लोगों को कैसे जाना है अगर आप TCS एम्प्लॉयज है तो। एंड हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि TCS वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे हैपन हो रही है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है, और आपको कितनी कन्वीनियंस हो रही है गवर्नमेंट के हिसाब से कि आप अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एक वैक्सीनेशन ड्राइव अगर कंडक्ट कर रही हैं तो। और मैं तो यार हर ही एक कंपनी से बोलना चाहूँगा कि यार आपके एम्प्लॉयज़ आपको इतने करोड़ का टर्नओवर करके देते हैं, जिसमें आप अपना पूरा क्वार्टरली पूरा प्रॉफिट आप दिखाते हैं, तो प्लीज़ अपने एम्प्लॉयज़ का थोड़ा तो ध्यान रखो यार। अगर आपके एम्प्लॉयज़ रहेंगे तभी तो आप लोग अपना प्रॉफिट दिखा पाएंगे, तभी तो आपके लिए काम कर पाएंगे। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन ड्राइव कराएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि दिसंबर तक ही हो पाएगा सब कुछ। और दिसंबर तक यार हम लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आई हैव सीन मैनी पीपल, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स। किसी की मम्मी की डेथ हो गई, किसी के पापा की डेथ हो गई, एंड मैनी ऑफ माई डिस्टेंट रिलेटिव हैव ऑल्सो लॉस्ट देयर लाइफ। तो बहुत ही बेकार टाइम चल रहा था यार, आई होप हम लोग इससे रिकवर कर पाएँ। तो चलिए मैं तैयार होता हूँ, अपना मास्क अपने गेयर्स पहनता हूँ, और हम लोग चलते हैं TCS की वैक्सीनेशन ड्राइव में। और हाँ, मेरी वैक्सीनेशन हो रही है TCS के Noida 6 के ऑफिस में, तो अगर मौका मिला, अगर परमिशन हुई वहाँ पे अंदर शूट करने की, तो मैं आपको ऑफिस भी दिखा दूंगा, मतलब बाहर बाहर से जहाँ पे परमिशन होती है, क्योंकि ODC में तो हमें भी जाने ही देंगे। तो लेट्स गो गाइस, चलें। तो गाइस, जैसे कि दिल्ली में एक मास्क से कुछ नहीं चलता है, तो आपको दो मास्क पहनने पड़ेंगे। ग्लव्स भी जरूरी हैं। So guys, as you can see, मैं अपनी कार में आ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ TCS ऑफिस की तरफ। पर उससे पहले मुझे पेट्रोल डलाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि आई रिमेम्बर लास्ट टाइम मैं कहीं गया था तो उस टाइम रिजर्व की आ गई थी लाइट, और अभी भी वही है। और भाई दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मैं आपको क्या बोलूँ। और लॉकडाउन का भी पता चल जाएगा यार, लॉकडाउन असलियत में है भी या नहीं, क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ें तो मुझे वैसे ही आती थी अपने घर से। तो देखना पड़ेगा भाई कि क्या सीन है। और मेरे पास यार अच्छा गेयर नहीं है, मैं अपने फ़ोन और से ही वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, जो कि मेरे पास है सैमसंग का Galaxy Note 10। तो अगर आपको वॉइस में थोड़ा परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ उसे। ओके, सो गाइज, आई हैव रीच्ड
TCS वैक्सीनेशन सेंटर जो कि है TCS नोएडा 6 का ऑफिस। तो अब चलिए चलते हैं अंदर और अपनी वैक्सीनेशन कराते हैं, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था कि भाई कब मेरी वैक्सीनेशन होगी। सो हे गाइस, फाइनली आई गॉट वैक्सीनेटेड। सो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी। तो एंट्री आपको आपके आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू दे रहे थे वो लोग, अगर आपकी ऐप इंस्टॉल है तभी आपको अंदर जाने दे रहे थे। प्लस आपका कोविन जो आपका रेफरेंस नंबर होता है वो कर रहे थे वो लोग चेक। तो अंदर मेरे को ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं शूट करने का, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड होती है। पर कैफेटेरिया एरिया में जहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिला, मैंने यार अपना कैमरा निकाल के शूट कर ही लिया। एंड प्लस प्रोसेस कैसी थी, बहुत ही सिंपल थी। आपको जाना था, आप अपना एम्प्लॉय आईडी बताइए और आप अपना कोविन का जो आपका रेफरेंस आईडी है वो बता दीजिए, तो आप TCS की तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आपको एक लाइन में खड़ा होना था। लाइन बहुत ही कम थी, मेरे आगे सिर्फ दो बंदे थे जिनकी वैक्सीनेशन थी। एंड फिर आपको दोबारा आपका फ़ोन नंबर कन्फर्म करना था ताकि आपके पास आपका सर्टिफिकेट आ जाए। तो उसके बाद बस वैक्सीनेशन कराया और 30 मिनट हम लोगों को ऑब्जर्वेशन में रहना है कि वैक्सीन लेने के बाद अगर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है, जैसे आपकी तबीयत ख़राब होती है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, या आपको कोई प्री मेडिकल कंडीशन हो कोई आपको पहले, तो उसमें उस केस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं तो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी गाइस। और आई होप आप सब लोग भी जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हो, आप लोग वैक्सीनेट हो जाओ। तो अब घर जाके देखता हूँ यार, मुझे बोला गया है कि आपको फीवर आ सकता है क्योंकि कोविशील्ड लगी है मुझे। तो जाता हूँ घर और आपको अपडेट देता हूँ और वीडियो भी वहीं एंड करते हैं। तो चलें गाइस। 146 मिनट्स लेटर। हे गाइस, सो इट हैज बीन 2 डेज सिंस आई गॉट वैक्सीनेटेड। तो वैक्सीन लगने के बाद यार फीवर तो मुझे आया, और एक दिन तक तो बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि मैं कुछ कर पाता, बस सोया हुआ था और मेडिसिन ले ली थी पैरासीटामोल जैसे कि मुझे बोला गया था। और हाँ, अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे वैक्सीन लगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब इसकी तरफ करके मैं सो नहीं सकता, अभी भी इतना पेन तो है मुझे। तो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा वैक्सीन का एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप यहाँ तक हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ यार मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे। 150 को समथिंग है, 2-3 वीडियो पहले भी अभी 150 समथिंग है। और हाँ, आई प्रॉमिस मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। और अब रिसेंटली बहुत ही जल्द अच्छी वीडियोस आने वाली है हिमाचल की, क्योंकि मैं अपने होम टाउन जाने वाला हूँ और मैं आपको वहाँ की लाइफ दिखाऊँगा, हिमाचल के लोग कैसे रहते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेसेस दिखाऊँगा जो कि आपने कभी नहीं देखे होंगे। सो गाइस, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।